गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 38 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 7th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप लेक्चर 38 में हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है एक थी गाय। इस चैप्टर में बच्चों प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मातृ प्रेम का हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है। गाय को शेर का शिकार बनते देख बछड़ा शेर से अपनी माँ को छोड़ देने की गुहार लगाता है। माँ बेटे के असीम स्नेह को देख शेर का हृदय पसीज उठता है और अंततः अपना शिकार किए बिना ही चला जाता है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे कि कैसे शेर बिना शिकार किए ही चला जाता है। भीमक नाम का एक राजा था। वह बड़ा सुखी था, संतुष्ट था, धर्माचारी और सदाचारी भी। उसके पास सैकड़ों गांव और हजारों गायें थी। उन दिनों गायों से ही आदमी की संपत्ति आकी जाती थी। जिस आदमी के पास जितनी अधिक गाय होती वह उतना ही धनी माना जाता था। भीमक राजा के उसी राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था जिसके पास कुल मिलाकर केवल एक गाय की संपत्ति थी। गाय भी उसी की तरह बड़ी सीधी साधी भोली भाली थी। सुबह अकेली चरने के लिए निकल पड़ती और सांझ के समय घर लौटती। उसका केवल एक नन्हा सा बछड़ा था जो रोज शाम के समय गले में बंधी रस्सी खींचे बाहर की ओर देखता रहता कि माँ कब लौटती है। इसी प्रतीक्षा में अधीर बैठा रहता। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि एक भीमक नाम का एक राजा था। वह बड़ा सुखी था, संतुष्ट था, वह धर्माचारी और सदाचारी भी था। उसके पास सैकड़ों गांव और हजारे गाय थी। उन दिनों आदमी की संपत्ति गायों से ही आकी जाती थी। जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वह उतना ही धनी माना जाता था। उसी भीमक राजा के राज्य में एक गरीब किसान भी था जिसके पास केवल एक गाय थी। वह गाय बड़ी सीधी साधी और भोली भाली थी। वह सुबह अकेले चलने के लिए निकल पड़ती और सांझ के समय वह घर आ जाती। उसका केवल एक नन्हा सा बछड़ा था जो रोज शाम के समय गले में बंधी रस्सी खींचे बाहर की ओर देखता रहता कि कब माँ उसकी लौटती है। वह गाय कामधेनु की तरह अच्छे लक्षणों वाली थी। सांचे में ढले सींग, दूध सा धुला सफेद रंग, काली काली कजरारी आंखें, काले मजबूत खूर जैसे किसी ने गढ़कर बनाए हो। ऐसी सुंदर भली गाय को पाकर गरीब किसान अपने भाग्य की सराहना किए बिना नहीं रहता था। बच्चों, यहाँ कामधेनु गाय की विशेषता है कि उसके दूध कभी समाप्त नहीं होते और वह गाय बहुत सुंदर होती है। बिल्कुल इसी कामधेनु की तरह उस किसान के पास भी वह गाय थी। उस गाय को पाकर किसान अपने भाग्य की सराहना करता। एक दिन गाय रोज की तरह जंगल से लौट रही थी कि रास्ता भूल गई और घनी झाड़ियों के जंजाल में कहीं उलझकर रास्ते से भटक गई। बहुत देर तक वह इधर उधर भटकती रही पर लाख कोशिश करने पर भी कहीं रास्ता सूझ नहीं पाया। इतने में सांझ ढल गई और घना अंधेरा घिर आया। ऐसी दशा में अब कहाँ जाए, क्या करे, वह खड़ी खड़ी सोचती रही। घर में बछड़ा रंभा रहा होगा, दिन भर का भूखा प्यासा। इस तरह बच्चों आपने जाना कि वह गाय एक दिन जंगल से लौट रही थी, रास्ता भूल गई और बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही, फिर भी उसे अपने घर का रास्ता नहीं सूझा। ऐसी दशा में वह काफी परेशान हो गई।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी कि मेरा बच्चा, मेरा बछड़ा रंभा रहा होगा। रंभाना का अर्थ बच्चे, गाय की आवाज़ जो होती है उसको हम रंभाना कहते हैं। फिर जंगल में अनेक हिंसक पशु भी तो रहा करते हैं, किसी ने कहीं उसे अपना आहार बना लिया तो फिर क्या होगा? नन्हा निरीह बछड़ा कहाँ जाएगा, कैसे जीवित रहेगा? यह सोचते ही गाय कांप उठी। इस प्रकार बच्चे आपने पढ़ा कि किस प्रकार गाय अपना रास्ता भटक जा रही है और रास्ता भूलने पर वह काफ़ी परेशान हो जा रही है और सोचकर कि मेरा क्या होगा, जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, कहीं वह मुझे खा ना जाए, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, ऐसा सोचकर वह गाय काफ़ी घबरा जा रही है और कांप उठती है। बच्चों, आज आपने इस चैप्टर एक थी गाय में आपने यहाँ तक पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को पूरा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।